पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड जारी करने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और पीएम आवास योजना के तहत राज्य को दी जाने वाली 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि को रोकने का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी मंगलवार शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकती है, जिसके बाद उन्हें शाम 6 बजे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात करनी है। इससे पहले टीएमसी ने सोमवार को राजघाट पर धरना दिया था। खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।